सरकार ने कहा है कि देश भर में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, मतलब बफर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि बफर में सरकार का स्टॉक कम हो गया, लेकिन एफसीआई का कहना है कि जितनी जरूरत है उसके मुकाबले गेहूं का स्टॉक उससे ज्यादा है। एफसीआई के सीएमडी अशोक के मीना से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त खाद्य भंडार है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एके मीना जो कि हैं सीएमडी एफसीआई के। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि कितना है स्टॉक हमारे पास गेहूं और चावल का, और क्या बफर अभी तक जो हमने मेंटेन करना था नियमानुसार वो हमने मेंटेन कर रखा है? मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी प्रेजेंटेशन में भी मैंने कहा कि जो हमारे बफर नॉर्म्स होते हैं और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो हमारी रहती है वो 1 अक्टूबर के लिए जैसे फिक्स की गई है गेहूं की 205 लाख मेट्रिक टन की, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास 227 लाख मेट्रिक टन गेहूं अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नई प्रोक्योरमेंट जब शुरू होगा अप्रैल में, उससे पहले के लिए जितना गेहूं की जरूरत है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। सर एमएसपी की बात कही आपने, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि एमएसपी की वजह से भी दामों पे कुछ असर पड़ा है? एमएसपी में तो जो बढ़ोतरी होती है वो नॉर्मल बढ़ोतरी है, एमएसपी तो एक कारण है ही है, लेकिन उससे बड़ा जो कारण है वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो रही है फूड ग्रेन मार्केट की, और जो इंटरनेशनल प्राइजेस जो रहे हैं, और उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन रहा भारत के अंदर कि एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा होगा, उस वजह से प्राइजेस कुछ बढ़े थे। बट भारत सरकार ने अब जो रेगुलेशन किया है और एक्सपोर्ट मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश की है, इसलिए वो प्रभाव भी कम हो जाएगा, और मेरी उम्मीद है कि फूड ग्रेन प्राइजेस भारत में ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे।